सम्मानीय शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल KL Info by केशलाल सर में हार्दिक स्वागत है। हम आप सभी निष्ठा के 18 प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके हैं और अब निष्ठा का ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होनी है और 60% अंक लाना भी ज़रूरी है, इसलिए तैयारी अभी से करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी तारतम्य में निष्ठा के फर्स्ट प्रशिक्षण के बारे में जानकारी लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले किस सन में क्या हुआ इस बारे में जानकारी शेयर करते हैं। 1961 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई। 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। 1975 में पहली पाठचर्या की रूपरेखा का निर्माण हुआ। 1986 दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई। 1988 दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली पाठचर्या बनाई गई। 2000 में तीसरी पाठचर्या का निर्माण किया गया। 2005 NCF5 चौथी पाठचर्या बनाई गई। 2020 पाँचवीं पाठचर्या बनाई गई। 2009 में RTE एक्ट अधिनियम लागू पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 से RTE एक्ट लागू हुआ। 2002 86वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ। 2012 पॉक्सो एक्ट अधिनियम पारित हुआ। 2003 जनशिक्षा अधिनियम के नियम बने। 1940 द एनिमल स्कूल कहानी लिखी गई। 2016 RPW अधिनियम दिव्यांग जन अधिकार बना। 2020 तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई। विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है NCF5 2005। किस मंत्रालय की पहल पर NCF 2005 तैयार किया गया था? मानव संसाधन मंत्रालय। NCF 2005 का प्रमुख सूत्र है बिना भार के अधिगम। देश की पहली पाठचर्या कब बनी? 1975। कैरिकुलम किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। NCF 2005 बल देती है कर के सीखने पर। UDL सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन। UDL पाठ्यक्रम के सिद्धांतों का सेट है जो पाठ्यक्रम और पाठों को शुरुआती चरणों से डिजाइन करने में उपयोग किया जाता है ताकि छात्रों की सबसे बड़ी संख्या सबसे प्रभावी और गहराई से सीख सके। मॉड्यूल 1 पाठचर्या और समावेशी कक्षा। यहाँ पर हम समझते हैं कि पाठचर्या और पाठ्यक्रम क्या है। पाठचर्या दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ और चर्या। पाठ का अर्थ है पढ़ने योग अथवा पढ़ाने योग तथा चर्या का अर्थ है नियम पूर्वक अनुसरण। इस प्रकार पाठचर्या का अर्थ हुआ पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य विषय वस्तु और क्रियाओं का नियम पूर्वक अनुसरण। जब कोई बालक विद्यालय में आता है तो उसके द्वारा या उसके साथ होने वाली सभी प्रक्रिया पठन पाठन खेल कूद हस्तकला संगीत सफाई प्रार्थना मध्यान्ह भोजन इत्यादि सभी प्रक्रिया पाठचर्या के अंतर्गत आती हैं। जो शिक्षा तथा शिक्षण से संबंधित होती है वो सभी पाठचर्या है। पाठ्यक्रम और पाठचर्या में अंतर है। हम अधिकतर लोग पाठ्यक्रम और पाठचर्या को एक ही समझते हैं लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। पाठ्यक्रम शिक्षण क्रिया का विस्तृत रूप है वहीं पाठचर्या पाठ्यक्रम का संकुचित रूप है। पाठ्यक्रम एक बॉडी है तो पाठचर्या उसका एक अंग है। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं।
जिसके जरिए छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जाता है, जबकि पाठचर्या सिलेबस या पाठ्यवस्तु भी कहते हैं, छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बिना किसी भेदभाव अंतर के समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान करके एक स्तर पर लाना है। UDL सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, इसको अंग्रेजी में यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, NCERT ही राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का निर्माण करती है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। निष्ठा का फुल फॉर्म भी जानना जरूरी है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, स्कूल प्रमुख और शिक्षक समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल। UDL सिद्धांत है व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। RTE एक्ट कब अधिनियमित हुआ और पूरे देश में कब लागू हुआ, यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 2009 में अधिनियमित हुआ तथा 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस प्रकार की संरचना को लिया गया है, 5 धन 3 धन 3 धन 4, और इसके पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 10 धन 2 धन 3 संरचना लागू थी। समान विकलांगता वाले 2 बच्चों के लिए शिक्षक से कैसे हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। दृष्टिबाधित छात्र के लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री है स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे, क्योंकि दृष्टिबाधित छात्र स्पर्श करके ही पढ़ाई कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है कि शिक्षक का सकारात्मक निष्पक्ष रवैया हो, शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं। दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम RPWD एक्ट 2016 यह उपबंधित करता है कि विकलांग एवं गैर विकलांग बच्चे एक साथ सीखें, समावेशी शिक्षा एक प्रणाली के रूप में हो, सभी बच्चे एक साथ सीखें तथा शिक्षा और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित हो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए सही वाक्य है, यह पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। NCERT को NCF विकसित करने के लिए आदेश दिया गया, यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति को उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। भारत की पहली और दूसरी शिक्षा नीति, पहली शिक्षा नीति 1968 में बनी और दूसरी शिक्षा नीति 1986 में बनी। पाठ्यक्रम के लिए मान कथन नहीं है, पाठ्यक्रम यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। गुप्त पाठचर्या क्या है, लड़के और लड़कियों को अलग बैठाना यह गुप्त पाठचर्या है। NCERT ने किस कक्षा से किस कक्षा तक के लिए लर्निंग आउटकम्स का निर्माण किया है, पहली से लेकर 10वीं तक के लिए RTE एक्ट अधिनियम के किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 21 से भाग 4। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, किस प्रकार के बच्चों को अग्रिम पंक्ति में बैठाना चाहिए, दृष्टिबाधित, ब्रेल लिपि किस प्रकार की विकलांगता से संबंधित है दृष्टिबाधित, क्या एक ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को अलग अलग सार्थक सहयोग की नीतियों की आवश्यकता हो सकती है, हाँ। RTE अधिनियम 2012। UDL के मूल सिद्धांत कितने हैं, बहुसाधन प्रस्तुति, बहुसाधन
अभ्यक्ति, बहुसाधन संलिप्तता। पहली पाठचर्या की रूपरेखा कब बनाई गई है? 1975 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कितनी पाठचर्या हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की 3 पाठचर्या बनाई गई हैं, 1988, 2000, 2005। मध्य प्रदेश जन शिक्षा अधिनियम कानून कब बना है? 2002 में। मध्य प्रदेश जन शिक्षा अधिनियम 2002 पारित होने के बाद नियम कब बने? 2003। बच्चों को शाला में उपस्थित होने से रोकने पर कितने का जुर्माना लगता है? 1000 रुपये का। समस्या यह नहीं है कि सभी मतभेदों को कैसे मिटाया जाए, बल्कि यह है कि सभी मतभेदों के रहते हुए कैसे एकजुट हुआ जाए। किसका कथन है? रविन्द्रनाथ टैगोर का। दयनीमल स्कूल कहानी कब लिखी गई थी? जॉर्ज रिवेसिस द्वारा 1940 में। चाइल्ड लाइन नंबर क्या है? 1098। निःशक्त बालकों के लिए कौन सी शिक्षा का प्रावधान है? समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत क्या है? भेदभाव रहित शिक्षा। तो इस तरह यह अंतिम परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी है। से सभी शिक्षक साथियों को व्हाट्सएप पर अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।